हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एम के आला मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 11.2 को सॉल्व करने के लिए, जिस तरह हम लोग हर वीडियो में कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं, उसी तरह इसको भी सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, बस आप कंटिन्यू इसमें लगे रहिए, है ना। तो ये जो आपका होगा इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक एक बारीकी चीज़ से समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए लाभ और हानि को समझने के लिए आपको अपने आप को एक बिजनेसमैन कंसीडर करना पड़ेगा, यानी आप समझ जाइए कि आप एक बिजनेसमैन हैं या आप एक दुकानदार हैं। ठीक है ना, अब देखिए दुकानदार होने के नाते आप क्या कीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। तो दुकानदार होने के नाते दुकानदार का काम क्या होता है, सामान को खरीद के लाना और उसको बेचना, यही तो काम है ना। तो आप अपने आप को समझ लिए ना कि आप एक दुकानदार हैं, चलिए बहुत अच्छा। तो आप अपने आप को कंसीडर कीजिए, तो आप एक दुकानदार होने के नाते कोई सामान को खरीदते हैं, ठीक है, फिर उसको बेचते हैं, है ना। तो आदमी कोई भी दुकानदार दुकान क्यों खोलता है, वो सोचता है कि इससे हमको क्या हो, कुछ मुनाफा हो, कुछ लाभ हो। ठीक है, और किसी कारणवश कभी कभार ऐसा होता है कि उसको घाटा हो जाता है, हानि हो जाता है, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप दुकानदार होने के नाते जिस कीमत पर किसी सामान को खरीदिएगा उसको बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को हम लोग लिखते हैं सीपी से, सीपी से। यहां तो कोई दिक्कत। अब देखिए कुछ सामान को आप जो खरीद के लाए तो दुकानदार होने के नाते आपका फर्ज क्या बनता कि खा लें, नहीं ना, ऐसा तो नहीं ना कि लाए दुकान में रखे और 10 दिन बाद सब खा के हजम कर दिए। आप लाए उसको बेचने के लिए और बेच के उससे कुछ इनकम जनरेट करने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए। तो जिस दाम पर आप उसको बेचिएगा उसको बोलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य, क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। जिस दाम से एक दुकानदार किसी सामान को बेचता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी SP। ठीक है, जिस दाम से खरीदता है दुकानदार उसे बोलते हैं CP, जिस दाम से बेचता है उसे बोलते हैं SP। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि अगर वो कोई सामान 10 रुपया में खरीदा है तो 12 रुपया में बेचेगा तब ना फायदा होगा, समझ में आया ना। यानी ये कम दाम में खरीदेगा, ज्यादा दाम में बेचेगा तो क्या होगा, फायदा होगा। और अगर ज्यादा दाम में खरीदेगा किसी कारणवश उसे कम दाम में बेचना पड़े तो उसमें क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो अगर ज्यादा दाम में खरीदे कम दाम में खरीदे और ज्यादा दाम में बेचे, बेचने वाला SP, यानी SP ज्यादा हो किससे, CP से, तो क्या होगा, लाभ होगा, क्या होगा, लाभ। और लाभ को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखते जाइए, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको जिंदगी भर काम देगा, जिंदगी भर। ठीक है, लाभ। तो अब देखिए ज्यादा दाम में बेचिए आप
यानी उससे अगर जितना दाम में खरीदे हैं उसको घटा दिए तो आपका क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? तो एक फॉर्मूला क्या बन के आया आपके सामने कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एक फॉर्मूला जनरेट हुआ। अब देखिए कब यहां पर थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, दूसरा चीज वहां पर लिखाएंगे हम। अब क्या होता है कि अगर आप किसी कारणवश कोई सामान को खरीद के लाए, ठीक है, और उसमें कुछ त्रुटि आ गया, यानी उसमें कोई खामी आ गया, उसमें टूट फूट गया, कुछ हो गया, तो उसे आपको किसी वजह से कम दाम में बेचना पड़े, यानी आप ज्यादा दाम में खरीदे कम दाम में बेचे, तो क्या होगा आपको? ऑब्वियसली हानि होगा। क्या होगा? हानि, यानी घटा होगा। हानि को बोलते लॉस, आपको हो जाएगा लॉस। तो लॉस निकालने के लिए चूंकि ज्यादा दाम में खरीदे थे कम दाम में बेचे, तो एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी, ठीक है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी और लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग प्रतिशत में निकालते हैं। हम लोग पहले प्रतिशत पढ़ चुके हैं, इससे पिछले वाले इसमें पूरा एक्सरसाइज प्रतिशत पर हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रतिशत पर दे देता है कि प्रतिशत में निकालिए, तो प्रतिशत निकालते हम लोग कैसे, यानी प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, देखिए ये प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बटे सीपी, जितना दाम आप खरीदे थे, है ना। देखिए आपका जो ये निकलेगा प्रतिशत, चाहे वो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, वो सीपी पर निकलेगा, सीपी के बेस पर, ठीक है, यानी नीचे में क्या रहेगा, हमेशा सीपी रहेगा। और देखिए प्रॉफिट बटे सीपी और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, बताए थे ना, प्रतिशत हराने के लिए 100 से भाग और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना। और इससे आप दूसरा फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं कि प्रॉफिट की जगह में क्या दे दीजिएगा, एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी और इनटू 100%। या इसको आप और अगर थोड़ा सा करना चाहें इसमें तो क्या कर सकते हैं, देखिए एसपी बटे सीपी हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा सीपी बटे सीपी, देखिए सीपी बटे सीपी और सीपी सीपी कट जाएगा तो बचेगा कितना, वन, आप सोच रहे जीरो, जीरो नहीं वन, तो यहां पर क्या हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा इनटू 100%। यानी आपका प्रॉफिट परसेंटेज, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाइए आपका आंसर एलवेज विल बी सेम, ठीक है, यानी लाभ बराबर हो गया एसपी माइनस सीपी, और वहीं लाभ प्रतिशत बोल दिए तो लाभ बटे सीपी इनटू 100%। और इसी को अगर लाभ के जगह में लिखना चाहे तो प्रॉफिट के जगह में एसपी माइनस सीपी हो जाएगा बटे में सीपी हो जाएगा इनटू 100% हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, एसपी बटे सीपी और माइनस सीपी बटे सीपी वन होता है, तो वन इंटू 100%। आपको जो फॉर्मूला सुटेबल लगे वही फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा। उसी तरह से यहां पर हम अभी बताए ना कि लाभ या हानि का प्रतिशत किस बेस पर होता है, सीपी के बेसिस पर, क्रय मूल्य के बेसिस पर, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, यहां से आपका आ जाएगा लॉस बटे सीपी इनटू 100%, ठीक है, होगा ना। और इसी को थोड़ा सा अगर आप और करना चाहें तो क्या हो जाएगा, लॉस के जगह में आप क्या लिख दीजिएगा, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी बटे में सीपी और इनटू 100%। कोई दिक्कत तो नहीं ना यहां तक? और इसी को और थोड़ा सॉल्व करना चाहे तो सीपी बटे सीपी विल बी मर्डर, यानी वन माइनस एसपी बटे सीपी इनटू 100%, ठीक है, यानी सीपी बटे सीपी कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा
और वहां पर एस पी बटे सी पी इंटू 100% हो जाएगा, यानी फॉर्मूला आपका कितना निकल गया। देखिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखिए, इस परसेंटेज को याद रखिए, इसका ये फॉर्मूला को याद रखिए, इसको परसेंटेज को याद रखिए, और इसको माइंड में हमेशा होना चाहिए कि लाभ इंसान को कब होता है, प्रॉफिट इंसान को कब होता है, जब हम ज्यादा दाम में बेचते हैं यानी कम दाम में खरीदते हैं। तो ज्यादा दाम में बेचते हैं तो उसको पहले रखेंगे, कम दाम में खरीदते हैं तो उसको बाद में रखेंगे, माइनस कर देंगे। उसी तरह लॉस कब होता है, हानि कब होता है, जब कम दाम में खरीद बेचता है और ज्यादा दाम में खरीदता है। तो ज्यादा दाम में खरीदता है, खरीदने वाला सी पी कॉस्ट प्राइस, तो उससे एस पी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां तक क्लियर है? अब देखिए आपका इसमें से क्या करेगा, और भी इसमें फॉर्मूला निकालेगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ बता देते हैं क्योंकि आपका बुक में भी है और आपको आगे भी, अगर आपका माइंड उतना माइंड तेज है, आपको रटने की कैपेसिटी ज्यादा है तो आप उसको रट सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। नहीं भी रटेंगे तो आपका ये बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आकाश सेकेंड का टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो कैसे क्या करेगा, देखिए इसमें फॉर्मूला निकालेगा, यहीं से प्रॉफिट परसेंटेज से फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, निकालते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको यहीं पर दिखाते हैं प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग क्या पढ़े, यहां से देखिए एक फॉर्मूला तो ये है, एक फॉर्मूला ये, आप लिखते जाइए एक तरफ से। एक फॉर्मूला क्या आया, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%, यही फॉर्मूला आया ना। इसमें क्या करेगा, सीपी निकालेगा यानी क्रय मूल्य, सीपी निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए सीपी सिर्फ इसके जगह में चल जाएगा, है ना, यानी प्रॉफिट बटे आ जाएगा प्रॉफिट बटे प्रॉफिट परसेंटेज, समझिए इस बात को, आएगा ना, ये इसका जगह में जाएगा गुना और ये इधर आ जाएगा भाग प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, और इंटू 100%, ठीक है। और इसमें से क्या कर देगा आपका, यहां से कर देगा आपका, एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला से चलते तो ज्यादा बेहतर होता, अच्छा कोई बात नहीं, यहीं से चल रहे ना, यहां से क्या कर देगा आपका प्रॉफिट, यहां प्रॉफिट की जगह में लिख देगा एसपी माइनस सीपी, वही है ना प्रॉफिट की जगह में, बटे प्रॉफिट परसेंटेज और इनटू 100%, ठीक है, यानी एक सेकेंड वो वाला फॉर्मूला से चलते ज्यादा इजी होगा, यहां तक आपको ध्यान आ गया ना, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं उतना ज्यादा ये करने का जरूरत नहीं है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर लिखते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या आया था, एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी इंटू 100%, क्या हो जाएगा, हम लोग सीपी निकालने का ये कर रहे हैं ना, यहां से क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी, ये इधर आ जाएगा गुना में और इधर क्या हो जाएगा एक, और ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में, ठीक है, बटे में 100, और यहां पर आ जाएगा एसपी माइनस सीपी, होगा ना। अब यहां से हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सीपी, ठीक है, एसपी निकालना, एसपी, तो यहां से क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी, और ये इसको इधर लेके आ जाओ, बटे 100 था प्लस सीपी बराबर आ जाएगा एसपी, होगा ना। यहां से आप एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, देखिए 100 आ जाएगा एलसीएम, यानी प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी और प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 100 पूरे में, यहाँ पर 100 सीपी हो जाएगा, बराबर आ जाएगा एसपी, होगा।
यहां से देखिए सीपी सीपी दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहां से आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, हम यहां पर लिख देते हैं कि एसपी, इसको इधर ले देते, एसपी बराबर सीपी यानी 100 आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज बटे में आ जाएगा 100, ये वाला 100, और गुना में आ जाएगा सीपी, ये वाला सीपी, ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर भी सीपी है, इसके साथ भी 100 सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज का साथ भी 100 सीपी, और ये वाला प्रॉफिट परसेंटेज होगा, प्रॉफिट नहीं होगा प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि यदि आपको प्रॉफिट प्रतिशत दिया हुआ हो, ठीक है, तो एसपी निकालने का क्या फॉर्मूला होता, ये फॉर्मूला होता है, निकल गया ना। देखिए एक ही फॉर्मूला से सारा चीज निकला, यही फॉर्मूला से आप सारा चीज निकाल सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपका माइंड उतना डेवलप होना चाहिए, आपको याद करने का क्षमता होना चाहिए, पढ़ने की जिज्ञासा होना चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है तो इसका मतलब आप कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये आ गया आपका, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला, अब इतना नहीं जाएंगे, आपको समझा दिए ना। अब उसी तरह से हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अगर अब लॉस परसेंट दिया हुआ हो, ये तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ हो तब हुआ, अब लॉस प्रतिशत दिया हुआ हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए वहां पर लिख दीजिएगा यदि प्रॉफिट प्रतिशत दिया हो, यहां पर लिख लीजिएगा यदि यदि लॉस परसेंटेज दिया हो, क्वेश्चन में दे देगा तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज दिया हुआ हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज, 100 माइनस लॉस परसेंटेज बटे में 100 और इनटू आ जाएगा सीपी, समझ में आया। यानी जब अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो एसपी बराबर हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100 इनटू सीपी, और जब लॉस परसेंटेज दिया हो तो क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज बटे 100 इनटू सीपी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और इसमें अगर आपको, ये तो एसपी का फॉर्मूला हो गया, सीपी का फॉर्मूला क्या होगा वो भी लिख लेते हैं। अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, पहले लॉस परसेंटेज वाला, लॉस परसेंटेज दिया हो तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विक्रय मूल्य बटे यानी एसपी बटे 100 माइनस लॉस परसेंटेज, 100 माइनस लॉस परसेंटेज और इनटू में आ जाएगा आपका 100, ऊपर में आ जाएगा 100, ठीक है। सीपी निकालना हो तो ये फॉर्मूला हो गया, एसपी निकालना हो तो ये फॉर्मूला हो, लेकिन किस कंडीशन में, जब आपको लॉस परसेंटेज दिया रहे क्वेश्चन में, ठीक है। यदि प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहे तो क्या हो जाएगा, यदि प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सीपी बराबर यानी क्रय मूल्य बराबर ये आ जाएगा विक्रय मूल्य एसपी बटे में 100 प्लस है जिस, जब अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और इनटू में हो जाएगा 100, ऊपर में हो जाएगा 100 100। तो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन पर चले, इसी में चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सरसाइज में ज्यादा नहीं कराएंगे, अकाथी कराएंगे, उसके बाद चलेंगे फिर एक्सरसाइज में ही चलते रहेंगे हम लोग। एक्सरसाइज नंबर 11.2 देखिए, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, क्या निकालने बोलता है, प्रतिशत लाभ प्रॉफिट परसेंटेज निकालने बोलता है, क्रय मूल्य बराबर इतना एवं विक्रय मूल्य बराबर इतना, तो कैसे लिखेंगे। देखिए वही तो क्वेश्चन है आपका, सारा उसी बेसिस पर है। एक्सरसाइज नंबर 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर में आपको क्या दे रखा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब क्या हो गया,
जिस दाम से खरीदा यानी सीपी, ध्यान रखिएगा इस बात को, सीपी बराबर 620, एसपी बराबर कितना है, विक्रय मूल्य बराबर 713। हमको निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रतिशत लाभ, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू व्हाट। तो अभी फॉर्मूला बताए, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी बटे में क्या होगा, सीपी इंटू 100%, यही तो होता है। अभी बताए तुरंत, एसपी तुम्हारा आपका कितना दिख रहा है 713, सीपी कितना दिख रखा 620 बटे में 620 और इंटू 100%, ठीक है। 713 में 620 गया, 3 में 0 गया 3, 11 में 2 गया 9 और यहां पर 6 में 6 गया 0, 93 बटे 620 गुना 100%, 1010 कट गया, ठीक है। यहां पर देखिए 91 93, 31 62, 31 62, 31 93, ठीक है, 2 5 6 10 यानी 15%, प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना आ गया 15%। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। उसी तरह दो नंबर आप बना लीजिए, ठीक है, दो नंबर भी उसी तरह से देखिए, पॉइंट वाला है, पॉइंट वाला देख के डरना नहीं है। हम कहाँ, यहीं पर लिख देते हैं, देखते हैं फंसाने का जगह, यहाँ पर लिख देते हैं। आपको तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना, कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा हमको। क्वेश्चन नंबर टू में आपको क्या देख रखा है कि क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी इक्वल टू 790.50, यही आपको टेंशन दिलाता होगा मेरे ख्याल से, और एसपी भी देके रखा है 930 रुपीस, ठीक है। हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हार्ट, ठीक है, लिखेंगे दियर फॉर प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू सिंस लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी बटे में 100 और बटे में सीपी इंटू 100%। यहां से एसपी आपका है 930 माइनस 790.50, यही है, बटे में सीपी, सीपी कितना है आपका 790.50 गुना में 100, कोई दिक्कत नहीं है तक। अब थोड़ा यहां पर घटा दीजिए, देखिए 930 00 डाल दीजिए, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम लिख सकते ना वैसे 790.50, यहां से कितना आ जाएगा 0, 10 में 5 गया 5। देखिए एक चीज आप इसको निगलेक्ट करके चलिए, है ना, ये जब भी अगर पॉइंट के बाद बुलाया जाता है तो अलग अलग बुलाया जाता है, यानी इसको पढ़ेंगे 790.50, ठीक है, 790.50। हम बोल देते हैं अलग बात है, लेकिन आप उसको ट्राई करना कि वैसे नहीं बोलें, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, पहचा दे के रखे तो 9 में से 0 गया 9, यहाँ पर बाहर जाएगा 12 में 9 गया 3, 8 में से 7 गया 1, यानी 139 यहाँ पर लिख दें, कोई तो दिक्कत नहीं ना, 139.50 बटे में 790.50 गुना 100। यहां से अगर पॉइंट उड़ाते हैं तो देखिए दोनों बराबर है, पॉइंट उड़ जाएगा, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से आप दिमाग लगाइए क्या भाग लगेगा, 1395 यहां पर है आपका 7905, वहां पर 1000 यहां पर 7000, तो 7 से भाग लगा के देखें आपका, 7 से अगर भाग लगाइएगा कितना आएगा, 5 से भाग लगा के देखते हैं, 5 से तो भाग लग जाएगा, 5 51 5 बचा 2 29 5 25 बचा 4 0 5 8 40 1 5 51 5 यहाँ पर भी 5 2 10 बचेगा 3 39 5 7 35 4 45 5 9 45 9 7 16 2 18 यहाँ पर 5 1 6 8 6 14 और 1 15 3 से कटता है, देखिए 3 5 6 15 3 2 6 3 7 21 यहाँ पर भी 3 7 3 9 27 3 3 9 और कटेगा 5 2 7 7 14 9 3 12
और कटने का उम्मीद नहीं रखते, 13 7 91 13 4 52 करता है ना। यानी अगर आपका आंसर देखा जाए तो कितना आएगा, 9300/527। थोड़ा सा एक सेकंड, हम आंसर भी मिला लेते हैं बुक से कि किस हिसाब से लिखा है, उसी हिसाब से आपको लिख देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। 17.64 लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा, 9300 भागा देना पड़ेगा 527 से, तो कितना आ गया, 930, 5 × 10 तो 5 × 1 = 5, 527 माइनस कीजिएगा 10 में से 7 = 3, 0, 9 में से 5 = 4, 1 0 उतारिएगा, ठीक है। उसके बाद 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, ठीक है। तो 7 ले लेंगे, 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14 और 4 = 18, 7 × 5 = 35 और 1 = 36, माइनस कीजिएगा 10 में से 9 = 1, 12 में से 8 = 4, 9 में से 6 = 3, ठीक है। पॉइंट दीजिएगा, 10 दीजिएगा, 3000 हो गया, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, तो 7 × 6 = 42, 2 × 6 = 12 और 4 = 16, 5 × 6 = 30 और 1 = 31, यानी आपका अप्रोक्स कितना आया, 17.6%, ठीक है। यही आपका आ गया आंसर, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 भी बना दें, लेकिन आपका लंबा हो रहा है, देखिएगा, डरिएगा नहीं। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्रय मूल्य 500 रुपया, ऊपरी व्यय 80 रुपया एवं विक्रय मूल्य 600 रुपया। ध्यान से पढ़िए, क्रय मूल्य 500 रुपया। अब मान लिए कोई चीज खरीदते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा दूर में खरीदते हैं, तो ऊपरी व्यय मतलब अलग से एक्स्ट्रा कुछ पैसा लगता है, चाहे वो भाड़ा लग गया या कोई और भी चीज उठाने का लग गया, है ना, तो उसमें ऊपरी व्यय 80 रुपया, तो ये आपका क्रय मूल्य में लगेगा, 500 रुपया और 80 रुपया, ये आपका खरीदने में लग गया, ठीक है, और ये आपका हो गया विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्रय मूल्य को सीपी लिखते हैं ना, बराबर कितना है, 500 ऊपरी व्यय बराबर 80, इसीलिए कुल वे कितना हो जाएगा, 500 + 80, 580, यानी यहाँ से आपका एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया आपका 600 रुपया, इसीलिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी इंटू 100%, यही होता है। एसपी आपका हो गया 600 माइनस सीपी हो गया 580 बटे में सीपी हो गया 580 और इंटू हो गया 100%, 580 में 600 में 580 गया बचा 20, 20 बटे 580 गुना 100%, 10 यहां से काट दीजिए, 2 × 6 = 29 होगा, 29 × 58 है ना, 29 × 58 इसको और तो कटेगा नहीं, तो ये इसको होल नंबर में बदल सकते हैं या पॉइंट में बदल दीजिए, देख लेते थोड़ा सा, पॉइंट में बदल दिया है ना, तो पॉइंट में बदल देते हैं, 29 / 100 कितना होगा, 29 / 100 तो 30 × 90 होता है, 3 से होगा, 9 × 3 = 27, 3 × 6 = 11, 6 × 2 = 8, 87, 10 में से 7 = 3, 9 में से 8 = 1, ठीक है। पॉइंट दीजिएगा, 0 दीजिएगा, तो 2 × 8 है ना, 2 × 8 29 × 2 = 90 होता ना, 4 × 2 = 10, 145, तो 29 × 5 = 4 तो 9 × 36, 4 × 8 = 11, माइनस कीजिएगा 10 में से 6 = 4, 2 में से 1 = 1, फिर पॉइंट 10 दे सकते हैं, है ना, तो 10 दीजिएगा तो फिर कितना आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, यानी 3.4, कितना आ गया आपका आंसर, 3.4 लगभग में 5 बराबर आ गया, 3.4% लगभग, परसेंटेज लगभग।
आंसर। समझ में आ गया? तो आपका आज एक ही नंबर तक हो पाया, उसके बाद बाकी हम लोग देखते रहेंगे, करते रहेंगे आसानी से, ठीक है?